हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बनारस सीरीज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सारनाथ घुमाने वाला हूं। मस्ट विजिट प्लेस है, अगर आप बनारस आते हो तो सारनाथ आना ना भूलें। वाराणसी से अप्रोक्स 10 किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ। अगर आप यहां के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गाइड भी कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको गाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी घूमने के जगह हैं सब एक ही जगह पर हैं, तो आप लोग को घूमने में परेशानी नहीं होगी। ये है धामिक स्तूप, ये बुद्ध मंदिर के ठीक बगल में है। जब हम लोग गए थे उस टाइम में कोरोना की वजह से बंद था, लेकिन आप लोग जब आओगे उस समय खुला मिल सकता है। स्तूपा के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आगे वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड फेमस बनारसी साड़ी का फैक्ट्री भी दिखाने वाला हूँ। मैं फर्स्ट है कपिलवस्तु, हाँ, सेकंड लुम्बिनी, थर्ड नेपाल। ये सब पहले इंडिया में था, वो नेपाल में है। अच्छा, तो जन्म स्थान लुम्बिनी और ज्ञान मिला हुआ है बोधगया बिहार। और बोधगया बिहार से भगवान बुद्ध सारनाथ में आए थे। उस समय स्तूप नहीं, मंदिर नहीं, ये सब जंगल था। अच्छा, केवल हरिण का बसेरा था जंगलों में। और इसी के नीचे में बैठ कर बुद्ध ने 5 शिष्य को पहला उपदेश यहाँ पर दिए हैं। और यहीं से बुद्धिज्म यहाँ से स्टार्टिंग है। देने के बाद गए हैं गोरखपुर, जगह का नाम है कुशीनगर। वहाँ पे बुद्ध का ध्यान हुआ है महानिर्मित गोरखपुर कुशीनगर। होने के बाद राजा अशोक सम्राट, जो नोटों पे जो शेर बनाए गए हैं, उन्होंने कलिंग युद्ध जो हुआ था उड़ीसा में, कलिंग के बाद बौद्ध धर्म अपनाए। भगवान बुद्ध की यादगार के लिए इस स्तूप को राजा अशोक ने बनवाए हैं। ये 2300 वर्ष पुराना है। 2300 वर्ष, हाँ, 2300 ओल्ड है। इसके लिए कोई दरवाजा नहीं, कोई गेट नहीं, कोई डोर नहीं है, पूरा सॉलिड है। केवल बौद्धिस्ट लोग मोमबत्ती जलाते हैं, वो जाप माला लेके बाद से रावण परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हीं का नेम मूलगंध कुटी बिहार, जिसके नाम से मेन मंदिर यहाँ पे है। 103 फुट हाइट है और 93 उनकी चौड़ाई है। जैसे इधर देख रहे हैं सेम पार्ट बैक साइड खुला हुआ है, पूरा पूरा भरा हुआ है। केवल पार्क में जाने के लिए जो एक आदमी का 35 रुपए टिकट लगाए गए हैं, वो पेटीएम द्वारा, वो बाहर से 1 किलोमीटर दूर से घूम कर जाना होता है। 10 तारीख से ये क्लोज किए हैं, ठीक है। श्रीलंका के द्वारा बनाए गए हैं 1931 अंदर में बुद्ध की जो मूर्ति है ना, स्टोन है, पत्थर की गोल्ड पॉलिश है। वो मंदिर करने में देखेंगे दीवार पे पेंटिंग है बुद्ध का। उनका जन्म से लेकर कर्म तक जापान के लोग पेंटिंग द्वारा बनाए गए हैं। ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, उनको बोलते हैं ओरिजिनल बोधि ट्री। जो बौद्ध गया बिहार में जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला हुआ है, वो पेड़ यहाँ कलम करके लाए गए हैं। इनका 3 शाखा है। फर्स्ट है बौद्ध गया बिहार, सेकंड बरान श्रीलंका, जगह का नाम अनुराधापुरा। राजा अशोक की बेटी और बेटा संगमित्रा महेन उस दाल को कलम करके बौद्ध पचार के वहाँ लगाए। ये 1931 में इधर लाए हैं। अच्छा, जिस प्रकार से बुद्ध ने प्रथम 5 शिष्य को उपदेश दिए हैं स्तूप के नीचे, उन्हीं का मॉडल बर्मा के लोग यहाँ बनाए हैं। वर्मा के लोग आके बनाए हैं कल्पना के रूप में। उसी के अंदर देखेंगे दीवाल और गिलास 27 मूर्ति बर्मा से लाए गए हैं। जो बर्मा के लोग 27वां अवतार मानते हैं बुद्ध का, उनके अंदर में तिब्बतन धर्म चक्र है, बहुत ही लोग घुमाते हैं। ये गोल्डन कलर का देख रहे हैं ना, बेल है, घंटा गोल गोल ऐसे नहीं, ये घंटा है जर्मन का। हाँ, एक बार मानने से 4 किलोमीटर साउंड है। अंदर में जाएंगे शांति में दर्शन होता है, ठीक है। बनारस कैसे आ सकते हैं और कौन कौन सी प्लेसेस वहाँ पर आप घूम सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले 2 वीडियो में कवर की है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। इसी के बारे में बात कर रहे थे, जो भगवान बुद्ध ने प्रथम 5 शिष्य को उपदेश दिए थे। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, बौद्धिस्ट लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल गई है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। अंदर में जितनी मूर्ति देखेंगे सब चंदन की है, चंदन की लकड़ी जी। और स्लेपी बुद्धा, जिस मुद्दा में भगवान बुद्ध का ध्यान हुआ है महानिर्माण,
ये सेम कॉपी यहाँ बनाए हैं। ऊपर में लाल चंदन की प्लेट है, गोल्ड पॉलिश है। यहाँ शाम को पूजा होता है 5 बजे। इसके पीछे जापान का फैमिली लोग रहते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जितने भी प्रतिमा हैं सारे यहाँ पर चंदन के लकड़ी के बने हुए हैं। आप यहाँ पर आओगे तो आपको चंदन की खुशबू भी मिलेगी। यहाँ दर्शन कर लिया आपने, आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। अशोक चक्र है सिंबल। हाँ, स्तूप के प्रवेश द्वार की शुरुआत सांची के महान स्तूप के एक द्वार की प्रतिकृति से होती है। ये विश्व शांति स्तूप है। विश्व शांति स्तूप सारनाथ में मुख्य बुद्ध परिसर से लगभग 900 मीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस शांति स्तूप का उद्घाटन 25 नवंबर 2010 को किया गया था। स्तूप के चार दिशाओं में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित है। ये जगह रियली में बहुत ही पीसफुल है। देखिए यही है उनका फैक्ट्री। कौन सा? यही जो 1000 आदमी लोग वर्कर लोग काम करते हैं गांव में। ये वाला? हाँ, ये फैक्ट्री है जो इसमें पूरा बैठ कर पूरा वैरायटी देख सकते हैं। और सिटी में तो 2000 दुकान मिलेंगे ना, 80% सूरत का आइटम बेचते हैं बनारस में, 20% यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ आपको ओरिजिनल हैंडलूम का मिलेगा, पावर लूम का नहीं। वर्क जो हर चीज जो वीविंग होता है, जो हाथ से बिनाई होती है। फैक्ट्री आपको पूरा अंदर से तो नहीं दिखा पाए, लेकिन आप बाहर से देख सकते हो यहीं पर बनता है बनारसी साड़ी। अगर आप ओरिजिनल बनारसी साड़ी खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ जरूर आए। अगर आप यहाँ आते हो तो आप जैसा चाहोगे बनारसी साड़ी वैसा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फैक्ट्री है तो यहाँ पर आपको सिर्फ बनारसी साड़ी ही नहीं मिलती, इसके अलावा भी और भी आइटम मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर जरूर आए। अब हम लोग आए हैं शिव मंदिर में। वहाँ से कुछ ही दूरी पर है ये मंदिर। ये शिव मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है। ये है बाहर का नज़ारा। आपको चलिए अंदर जाते हैं और आपको अंदर दर्शन कराते हैं। बनारस आप घूमने के लिए आ रहे हो तो 2 दिन काफ़ी है यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन अगर आप आराम से घूमना चाहते हो तो आप 3 दिन भी ले सकते हो, आप आराम से घूम पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर कोई सुझाव या सलाह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।